क्या नाम है आपका? हमरा बुरा के। आपका नाम? हमरा कुछ नहीं देगी। तो इधर पूरा बाढ़ का पानी आता है? हाँ। तो कैसे रहते हैं यहाँ पे आप ऐसे इस पूरा बाढ़ में? बउआ यहाँ चले तो गाँव में गेल छलिए ये बुझलिए। अच्छा। जे गाँव में से फिर अथी लैया पर कर देखे सुने अयली देखो लो देते ना तो पकड़ उखाड़ कर। अच्छा। ये वाला ये इसी यहीं रहते हैं अभी आप? हम ही रह की बुआ 10 बरिस से ही। 10 साल से यहीं रह रहे हैं? तो घर ठीक से नहीं बनाया, ऐसे इसी तरीके से रह रहे हैं? बुझलिए एक बार बन लिए दहाइए गेले तब पोल के खम्भा बनल के बेटा तब रह से रहते। बाढ़ में दह गया मतलब घर बनाए पूरा बाढ़ में बह गया पूरा घर? भाई भाई पूरा भस गया? भस गेले बुझलिए खोपड़ी उपरी के छो पोता के बड़ा देख के। हाँ उस इधर से पानी नहीं आता हुआ छत से ऊपर से पानी नहीं गिरता हुआ सीट लगाने के बाद? हाँ डेढ़ में पाए रहती तब ना दोनों बगल धो दी। हाँ कितना कितना गाय भैंस आपके पास है? भैंस? हाँ गाय है कि भैंस है? भैंस है 4 गो पारी है। 4 गो रखे हुए हैं? दूध वगैरह देती है सब? दूध नहीं है वो सब है अखनी एतबे गो छोटा छोटा सा। हाँ, वो छोटा है वो परियल। तो खाने पीने का कौन काम आता है आपके घर में, कौन कौन काम करता है? एक वो बेटा हमारे वो है के कहियो मन भेल तो पैकारी कर लेकिन तो कुछ नहीं बस। तो खाना कैसे चलता है आपके घर का खाना पीना? खाना ठीक है बटैया कर खेती से। हाँ खेती ये पानी जो है पूरा ये पानी सब बाढ़ वाला पानी है? हाँ ये सब है बाढ़ वाला बउआ ये सब देखे छे ने सब धोखरल छले निकलिए पतलिए माटी लगले सब छले धोखरल। ओ पीछे जो मिट्टी का बनाया कौन जो वहां पे क्या चूल्हा है वो मिट्टी वाला? हां भाई से निकला दाना उना बनवे छी। हां आ कहियो मन भेल त चाहो वही घर ही से खा लावे। खाना पीना घर से आता है वहां से? घर से आवे कभी कभार यहां बना लेते हैं। अब बन में जो मकई तक रोपत है ना दही खा ला होते। हां कैसे रहते हैं अकेले? आसपास कोई भी घर नहीं है देखिए, दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। अब की करूं असगर जे नहीं है तो केना नहीं रहबे तो केना होते बउआ? देखिए दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है तो कैसे रहते हैं यहाँ पे अकेले? डर नहीं लगता है? डर लगते तो की करिए कहाँ रहिए कहू नहीं रह दे है तो कहाँ रहिए गोतिया दियाद नहीं रह दे तो ए गांव के 4 गो से जीतबो। अच्छा जीतबो 4 गो। आपका नाम? राजकली देवी। राजकली नाम है आपका? राजकली देवी जी तो आप यहीं रहते हैं आप भी? नो यलिए मिलने के। देखिए ये है ये नाद है और यहाँ चारा डाला गया है जो कि भैंस के खाने के लिए है और पूरा और यहाँ टेम्परेरी इसे मचान कहते हैं। देखिए टेम्परेरी बनाया गया है मचान और नीचे झाड़ू और देखिए ये 4 बम्बू के ऊपर से बनाया गया मचान और इनका कुछ अपना बेड वगैरह है और आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये है और ये घर और चूँकि टेम्परेरी घर बना है ये देखिए और इसके ऊपर एल्बेस्टर डाला गया है GIC ट्विज से कहते हैं और उसके ऊपर ये पुआल है। अब जो चावल खाते हैं धान जस्ट देखिए इसी के अंदर से मैं दिखाता हूँ अगर हो दिख जाए तो देखिए ये जो आप धान देख रहे हैं इसी के अंदर से चावल निकलता है ये और ये कुट्टिकल है जिसे चारा काटने का मशीन भी कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसमें ये ब्लेड लगा होता है इस ब्लेड में देखिए ये जो ब्लेड है इसी ब्लेड से कटता है ऐसे। ये इसका हैंडल है हैंडल छोटा वैसे इस पर लकड़ी का लगा होता है लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है। और पीछे देखिए पीछे वहाँ से जो लगाया गया है यहाँ से चारा लगाया जाता है और आगे जब चलाएंगे तो यहाँ से कट के ये गिरेगा यहाँ पे। और इनका ये है प्लास्टिक से इन्होंने ढक रखा है और यहाँ भैंस वगैरह बांधने के लिए इन्होंने रखा हुआ है इससे रखता है ये पूरा लिपाई निपाई कहते हैं इसे किया हुआ है। ये चूल्हा देखिए इस तरीके से चूल्हा बनाया जाता है हालाँकि अभी बनाया गया है ये अभी पूरा तैयार नहीं है और बनेगा। ये मिट्टी का चूल्हा है ये मिट्टी का चूल्हा है और इनके ये रहने का जगह RCC का पोल है और ऊपर बांस से ऊपर डाला गया है। कई जगह पे और भी चीज़ों का लगता है देखा हमने वहाँ भी लेकिन यहाँ पे ये बांस का बना हुआ है। और देखिए इस तरीके से यहाँ पूरा ये है इसमें ये है बांस
और इसे जब बांस को आप, ये पूरा साबुत बांस हुआ, और जब बांस को चीर दोगे तो इसे फट्टी कहते हैं। ये फट्टी हुआ, इसके पीछे ये इकरी, और इकरी के पीछे यहाँ हर जगह देखिए इस तरीके से है ये गांव का पूरा। और रहने का मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये इनके रहने का है, इनका कपड़ा है, और ये चूल्हा, ये चूल्हा है इनका, इसी से खाना बनता है चूल्हे में, देख सकते हैं। ये चूल्हा मिट्टी का चूल्हा है, और इस चूल्हे की बात करें तो देखिए यहाँ यहाँ नीचे से यहाँ से जलावन लगाएंगे और ऊपर बर्तन डाल देंगे तो, और साइड से देख रहे हैं ये चार, इस चार के बगल साइड से धुआं निकलेगा, और इस तरीके से यहाँ यह है मिट्टी, ये चौकी इसको कहते हैं, ये लकड़ी का बना हुआ है, और नीचे इनका बाल्टी और बर्तन है। तो चलिए इनसे कुछ बात किया जाए, बात करते हैं कुछ और पूछते हैं कैसे ये रह रहे हैं, और चूँकि ये बाढ़ प्रभावित एरिया है तो कैसे, तो बाढ़ में तो पूरा ये पूरा रोड वगैरह सब ये सब डूब जाता है। छप्पर के ऊपर मान लीजिए पूरा पानी भर गया, हाँ। तो इस छप्पर के ऊपर तो सांप वगैरह आ जाता होगा, कीड़ा जानवर सब। सब यहीं से देख ले ली, चली गई घर। तो डर नहीं लगता है, मान लीजिए इतना मोटा मोटा सांप चढ़ गया छप्पर पर, अपने दहार जखम गेल अपने माने मालिक ओकरा सके भेज दे ही नहीं रह है। तो इतना सांप कहाँ से आता, मतलब जितना ही पानी में जितना सांप है कीड़ा सब यहीं आके सब सब आके इस घर के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है इसमें। तब भाई गेल, तब हम सब ताले मोर सब ने वही ताले अपन देख सुन के लिए अलगे से आने रहली, हम बुढ़वा जाल तब रहली, अतका डर होइत रहै छै पूरा। देखिए जहाँ तक तो आप, आपका ये घर छोड़ के और तो दूर दूर तक कहीं कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है। तब हम सब के तो जरा लाठी है से है घर है, जरा न है लाठी से तो वन में बेला दिल के तो नहीं रही है। हाँ बात तो ये भी है, वन में ना रहिए बहु आ दियाद खेकर के हो है से जने छे ना, सब देश में घूमे हो गए आ पढ़ल लिखल छी हमरा जनते न होवे दियाद के है। तो आपके घर में और कौन कौन है? एक के गो हमरो बेटा, आपका एगो लड़का है, तो यही रहते हैं कि यहीं बाहर रहते हैं? नहीं है छे बाहर नहीं निकले छे, पर अच्छा। धिया पोता हमरा दू गो पोता है ना, बाबा तीन है, एक गो तीन गो पोता है, तो दू गो पोता के हमरा दामाद जरे बहरा कमाई मैंने अभी है छोटे छोटे मजदूरी में ले गेली हमर दामाद, तो उहे कमाई है दू गो पोता बेटा ही आ रहल। अच्छा बेटा ही आ रहल खेती तो नहीं जाय छै, लोको ठेलै छै तो नहीं जाय छै बाहर भीतर असगर की जाय छै हमर दामाद ने जाय है धिया पुता के जे चल हुआ फरहर होय नहीं जा। हां ठीक है, अपन अखनी कन के गो गए ते गरीब के जलम नहीं कमते ते केना होते, पढ़ावे लिखा तो पढ़ाते नहीं उसको, नहीं पढ़बे छी बानो है तो पढ़ाते तब ना आगे जाके ज्यादा कमाता, अभी नहीं पढ़ाइएगा तो सब दिन उतना ही कमाते रह जाएगा, तब की करो बच्चा बच्चा को थोड़ी पढ़ाइएगा अभी, दवाई छिटै छै ओहे लिए नहीं पढ़बे छी बुआ, झूठे के कहू नहीं पढ़बे छी बेटा के, ओके खोर है होता है ते को कैसे पढ़े नहीं तो पढ़ाइए सबको पढ़ाइए, एक के ऊपर आप तो पढ़ाए उसे तो बहरा सब के कुछ कुछ में धरा दे जी है 10-20 रुपया 1000 तो 10-20 में क्या होगा, मान लीजिए उसको पढ़ाइएगा सरकारी स्कूल में तो खाना फ्री है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, किताब भी फ्री मिल रहा है, तब क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? माँ एक बात बताए, अभी नहीं पढ़ाए ठीक है, अभी नहीं पढ़ाए उसको, जितना पढ़ाना था जो पढ़ना था कुछ नहीं पढ़ा, उसको कुछ पता ही नहीं चला दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मान लीजिए अभी 5,000-10,000-7,000 जो भी नौकरी कर रहा हो जितना में कर रहा, लेकिन सब दिन तो उतना में रह गया ना वो काम करते करते, अगर मान लीजिए पढ़ा दीजिएगा आप तो आगे चल के आज 5,000 तो कल 50,000 भी कमाएगा, ये भी तो बात है। किस्मत होती तब, हाँ तो पढ़ा रहेगा तब ना कमाएगा, पढ़ा है वो पढ़ ही नहीं सकता है, पेपर में कागज पे कौन चीज लिखा हुआ है तो क्या करेगा, नहीं तो उसको भेजिए ना, कितना साल का है बच्चा सा? 12 साल कमाए 5,000-10,000 के महीने, नहीं तो उसको भेजिए, अभी कमाने का उम्र नहीं है, अभी हारल में चल जाए कमाए बिजली है तो दी है, दी है पोता जाता है हमरा निकले छै, ये है दी है पोता 20,000 रुपया दोनो में भेज दे है तो कनी खेती बाड़ी कर, लोको ठेलै छै त नै जाय छै, पाँच गो दी है खेती बाड़ी कर एते ही। आ ऊ पीछे कोनी धान का खेती है? ऊ धान रोपने तकरा तो बरबनिया है,
तो बस पूरा ये पूरा का पूरा खाली है पूरा देखे पूरा बाद में लग गया पूरा का पूरा ये चौड़ी है ना ये सब पूरा पूरा खाली है पूरा एरिया तो दिवाली का तैयारी कर लिए दिवाली का दिवाली का चलिए ठीक है तो भेजिए उनको पढ़ने के लिए बच्चा सबको ठीक है। अब काम धाम तो होते रहेगा लेकिन कम से कम पढ़ने लिखने के लिए भेजिए पढ़ लेगा ठीक रहेगा नहीं पढ़ेगा तो सब दिन मजदूरी करेगा ना मजदूरी करे पढ़ लेगा तो कम से कम कुछ करेगा नहीं पेट भर उससे कुछ नहीं होगा ना पेट में नहीं खेत में ठीक है बटैया में पेट भर अब ओकरे दिए कुछ पाए ना पढ़ाइए जो नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा अब जो बचा उसको तो पढ़ाइए कम से कम हाँ तो और जो बचा उस सबको भेजिए फ्री में खाना मिल रहा है मान लीजिए वहाँ रहेगा वहीं पढ़ेगा सब कुछ तो मिल रहा है उसको तब क्या दिक्कत है किताब कॉपी मिल ही रहा है।